किसानों के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी, हर ब्लॉक में बनेगा गोदाम, 1,00,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सलकनपुर में महालोक महाकाल लोक की तरह बनेगा भव्य देवी लोक, सीएम शिवराज ने किया भूमि पूजन, 52 शक्तिपीठों से लाई गई मिट्टी। दमोह के स्कूल में पोस्टर में हिंदू लड़कियों के हिजाब पर बवाल, गृहमंत्री अमित शाह सख्त, कलेक्टर ने गठित की जांच कमेटी। एमपी साइबर पुलिस का बड़ा खुलासा, 3,00,000 से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड, एक ही व्यक्ति के नाम पर जारी हुए कई नंबर। भोपाल में नगर निगम की गाड़ी से फिर डीजल चोरी, वायरल हुआ वीडियो, निगम को लगता रहा है लाखों का चूना। खंडवा में फिर चला मामा का बुलडोजर, 4 बदमाशों के अवैध निर्माण ध्वस्त, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर रहा मौजूद। अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की आई पहली तस्वीर, 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, जोरों पर तैयारियां। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, 3,00,000 से अधिक मोबाइल नंबर जारी हुए हैं, लाखों सिम कार्ड फर्जी तरीके से जारी हुए, एक ही शख्स के नाम पर कई सिम दिए जा रहे हैं, एक ही शख्स की फोटो आईडी पर सिम जारी हो रहे हैं, कई इलाकों में बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी हुए हैं। साइबर अपराधों को अंजाम देने की मंशा से फर्जी नंबर जारी किए जा रहे हैं। भोपाल साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का बयान सामने आया है इसको लेकर, बड़े क्राइम में होता है फर्जी सिम्स का इस्तेमाल, उनका यह कहना है साइबर अपराध को भी बढ़ावा मिलता है इससे, पड़ोसी राज्यों से भी फर्जी नंबरों की खेप आने की आशंका है, पुलिस ने गैंग को भी आइडेंटिफाई किया है, फर्जी नंबर्स का इस्तेमाल गैर कानूनी, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ये कहना है हरिदान चौधरी। जितने भी बड़े क्राइम्स हो रहे हैं मुख्तर पे, बड़ी साइबर क्राइम से जुड़ी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें खास बात है कि गलत सिम का प्रयोग होता है, और बहुत सारे बड़े जो सिम्स हैं उसमें कई ऐसे राज्यों से आ रही हैं जो कि सुदूर जो उत्तर पूर्व के कई राज्य हैं जहां पर इस तरह के सिम पाए गए हैं जो वहां के एक्टिवेटेड सिम हैं। इसमें पुलिस इस बात को परसू कर रही है, पुलिस ने एक गैंग को भी इसमें आइडेंटिफाई किया है जो इस तरह के फर्जी सिम को ला करके और अपराधियों तक पहुंचाता है, तो पुलिस उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर रही है। बहरहाल इस तरह के सिम का उपयोग करना भी अपराध है और पुलिस इसको लेकर के सतर्क है। वहीं भोपाल नगर निगम की गाड़ी से फिर डीजल चोरी हुआ है, डीजल चोरी करते वीडियो सामने आए हैं सोशल मीडिया पर, अब वीडियो वायरल है। नगर निगम की गाड़ी से आसानी से डीजल चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, पहले भी डीजल चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं नगर निगम की गाड़ी से, और इन्हीं चोरियों के चलते लाखों का चूना लगता रहा है निगम को। एक बार फिर से नगर निगम की गाड़ी से डीजल चोरी हो गया। वहीं दमोह में पाइपलाइन फूट गई, रोड पर बहा 50 फीट तक उठा पानी का फव्वारा, काफी पानी रोड पर बर्बाद हो गया, बह गया। नोहटा थाना क्षेत्र का मामला है, सतधरु परियोजना का पाइपलाइन फूट गया, पानी बहने से आवागमन बाधित हुआ, हाई टेंशन लाइन को छूता हुआ फव्वारा नजर आया। वहीं सिगरौली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, बस और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई, ऑटो सवार 2 यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हुई है, ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, चितरंगी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है घायलों को, मौके पर चितरंगी पुलिस भी पहुंची थी। वहीं 3 शहरों से आग की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं, आग से बर्बादी की खबरें सामने आई। भोपाल के फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगी और इस वजह से गोदाम में फर्नीचर जलकर खाक हो गया। मिसरौद थाना इलाके के सलैया की घटना थी, बाद में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं उज्जैन में एक स्कूल के स्टोर रूम में आग लगी, गनीमत रही की घटना के समय केवल स्कूल का स्टाफ वहां मौजूद था, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन स्टोर रूम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। जबकि हरदा के नौसर गांव में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, टक्कर के बाद कार में आग लग गई। तो वहीं इस घटना में 4 लोग जिंदा भी जल गए।
वहीं खंडवा में एक बार फिर से मामा का बुलडोजर चला है, जहां कुंडे बदमाश और माफिया के चिन्हित निर्माण तोड़े गए हैं। चार बदमाशों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की है। सकरी गलियों में गुंडों ने अवैध निर्माण पर गुंडों के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाया है प्रशासन ने, तो वहीं बुलडोजर से भी अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अधिकारियों के निर्देश थे कि हर महीने माफिया के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्रवाई होती रहे, इसलिए हमने जो है पुलिस के साथ मिलकर चिन्हित जो अपराधी हैं, जो जुआ सट्टा मारपीट में लगातार सक्रिय रहते हैं, ऐसे अपराधियों के जो है चिन्हित करके इनके मकानों को देखकर जो है शासकीय जमीन पे बने हैं या अनियमितता है किसी भी प्रकार से उसमें देखकर हमने उनको नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई की है। चार मकान तोड़े गए चार गुंडों के, तीन तो खंडवा शहर में है और एक अहमदपुर के गांव ग्रामीण का है। वहीं दमोह में एक स्कूल के ड्रेस कोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। नारेबाजी कर रहे ये लोग हिंदू संगठन से जुड़े हैं। गंगा जमुना स्कूल के ड्रेस पर इन लोगों ने आपत्ति जताई और इसे लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला तब सामने आया जब स्कूल ने एक पोस्टर लगाया। पोस्टर में हिंदू लड़कियों ने हिजाब पहना हुआ था। वह हिंदू संगठनों का कहना है कि सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल धर्म विशेष को ही अपना ड्रेस कोड बना दिया, जो नियमों का उल्लंघन है। देखे तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि तीन प्रकार की संस्थाएं होती हैं, शिक्षा संस्थाएं। तीसरी शिक्षा संस्थान होती है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, वहाँ धार्मिक शिक्षा अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा है और अगर किसी स्कूल की ड्रेस मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को धार्मिक आचरण करने के लिए, लेकिन अगर आप बताओ जैसे पुलिस है तो पुलिस की प्रॉपर ड्रेस है, वो उसकी बाध्यता है। अगर किसी स्कूल में किसी को ड्रेस कोड बना दिया जाएगा तो क्या वो बाध्यता नहीं है? ये सीधा सीधा संवैधानिक उल्लंघन है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन है। उधर मामले के सामने आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। उसकी जांच कराई है, प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे, उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जाँच के लिए बोला है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बच्ची ने धार्मिक शिक्षा दिए जाने से इनकार किया, साथ ही स्कार्फ पहनने का दबाव से भी मना किया है। हमारा एक स्कूल का ये ड्रेस कोड है, सलवार सूट और स्कार्फ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला गया कि आप लगाओ या फिर ये, हमसे कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि आप लगाइए या फिर नहीं लगाइए, ना ही हमें किसी धर्म के बारे में कुछ भी बताया जाता है। स्कूल के ड्रेस कोड को लेकर खड़े हुए विवाद की जाँच जिला प्रशासन कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द स्कूल का पूरा सच सामने आ जाएगा। तो दमोह हिजाब मामले में जांच कमेटी गठित हुई है। दमोह हिजाब मामले में कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित की है। तहसीलदार, डीसीपी और नगरपालिका सीएमओ मामले की जांच करेंगे। जांच के बाद तथ्यों के अनुसार कार्रवाई होगी। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी। जी, कल सोशल मीडिया से हम लोग को संज्ञान में आया कि पोस्टर सामने आया जो वायरल हो रहा था, जिसकी तुरंत हम लोगों ने जांच जिला शिक्षा अधिकारी एवं कोतवाली प्रभारी से कराई। नहीं, इसमें प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने इस चीज़ की जांच करी थी कि किसी बच्चे को या अभिभावक को कोई प्रेशर देकर या कोई कपड़ा का पहनाया गया, ऐसा तो नहीं है। तो उसमें जो प्रारंभिक रूप से जो चीज़ तथ्य हमारे पास सामने आए हैं उसमें यही सामने आया कि किसी को फोर्स नहीं किया गया है। दो तीन आज हम लोग को एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है, उस ज्ञापन की जांच करने के लिए हम लोगों ने एक टीम गठित कर दी है, जिसमें तहसीलदार के अध्यक्षता में डीपीसी और सीएमओ नगर पालिका रहेंगे, और माननीय गृह मंत्री जी का भी मैंने बयान देखा है। माननीय मंत्री जी ने भी एसपी साहब को आदेश किया है इसकी जांच हेतु, तो उसमें एसपी साहब मुझे लगता है उसमें पूरी जाँच करवाएंगे। अलग इंदौर के आजाद नगर इलाके में एक लड़की के पैर में गोली लगने का मामला सुलझा लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लड़की के पैर में गोली मारने वाले लड़के आशु बाबा पर केस दर्ज कर लिया। उसने ही लड़की के पैर में गोली मारी थी, जबकि आशु के परिवार वालों का कहना था कि लड़की ने खुद अपने पैर में गोली मारकर वो थाने पहुंची थी। मैं
आई थी शाम में आजाद नगर में, उसमें आशु करके लड़का है, आशु बाबा जो रहता है अपना आजाद नगर क्षेत्र में, इसकी लड़की से अलीसा से पहचान थी चंदनगर की। इसने आशु ने करीब 15 दिन पहले 5,000 रुपये उसको उधार दिए थे लड़की को। 2 दिन पहले मांगने गया था ग्रीन पार्क में, तो लड़की ने कुछ बहस हो गई थी और बोला हम देख लेंगे। ग्वालियर की विश्वविद्यालय थाना में 24 साल की इंदौर निवासी युवती ने अपने दोस्त पर दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि ग्वालियर के मयंक नाम के युवक से उसकी दोस्ती हुई। उसने छात्रा से शादी का वादा किया। आरोपी युवक ने 28 जनवरी को अलकापुरी स्थित कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वो लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब छात्रा ने मयंक पर शादी का दबाव डाला तो वो शादी से साफ मुकर गया। पुलिस ने आरोपी मयंक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ग्वालियर थाना इलाके में 23 साल की एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सेवा नगर इलाके में रहने वाली युवती ने ग्वालियर थाने में FIR दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि उसके परिचित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। खरगोन जिले के बड़वा में नर्मदा नदी पर पुराने रेलवे ब्रिज पर 3 बंदर फंस गए थे और 3 दिन से भूखे प्यासे बंदर पुल पर फंसे हैं। दरअसल रेलवे मीटर गेज के पुराने पुल को तोड़कर ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने का काम कर रहा है। नर्मदा नदी पर नए पुल का निर्माण होना है। पुराने पुल को तोड़ने के दौरान भूखे प्यासे खाली पेट बंदर पुल के टूटे हिस्से पर भटक रहे हैं। माँ नर्मदा प्राणी सेवा समिति ने बंदरों को बचाने की वन विभाग और प्रशासन से अपील की है। झाबुआ में सीएम कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विवाहित जोड़ों को परिवार नियोजन की सामग्री बांटने पर मचे बवाल के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सफाई दी है। परिवार नियोजन के जिला प्रभारी डॉ अशोक पटेल ने कहा कि मकसद गलत नहीं था, तरीका गलत हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये किट नवविवाहित जोड़ों को दी जानी है। इसे आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर नव वर वधु को परिवार नियोजन की समझाइश देकर बांटना है, लेकिन ब्लॉक अधिकारियों ने समय की बचत और सुविधा को देखते हुए इसे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बंटवा दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 2 और 3 जून को MP आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान 2 जून को प्रधानमंत्री कमल दंड प्रचंड दहल प्रचंड को सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर के होटल मैरियट में रात्रि भोज देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री आगामी 2 से 3 जून को इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज ने भोपाल और सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। भोपाल में उन्होंने गौरव मैराथन को हरी झंडी दिखाई। वहीं सीहोर के सलकनपुर में देवी लोक की आधारशिला रखी। भोपाल में आज से गौरव दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सीएम ने गौरव मैराथन को हरी झंडी दिखाई। सीएम ने इस दौरान कहा कि भोपाल ऐतिहासिक शहर है, ऐसे में शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भी सभी योगदान दें। भोपाल के गौरव दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। ये राजा भोज का शहर है, ये रानी कमलापति का शहर है, ये आप सबका शहर है। आइए भोपाल को और स्वच्छ भी बनाए, सुंदर भी बनाए और अपने कामों से भोपाल का गौरव बढ़ाए। डमरू बजाते और भक्ति रस में डूबे सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये रूप शायद ही किसी ने देखा होगा। तस्वीरें सीहोर के सलकनपुर के विजयासन देवी धाम की हैं। सीएम पत्नी के साथ यहां रथ पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने स्वागत किया। सीएम ने कन्या पूजन किया, साथ ही मंत्रोच्चार के साथ देवी लोक की आधारशिला रखी। विजयासन देवी धाम में 211 करोड़ 37 लाख की लागत से देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने संतों पर पुष्प वर्षा कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम ने कहा कि देवी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। देवी का रूप यह हमारे यहाँ कहा गया है, अपने यहाँ कहा गया है, यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान कहाँ रहेंगे, मैया कहाँ कृपा की वर्षा करेगी, जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वही माँ निवास करेगी। और इसलिए तो मैया
हमने लाडली लक्ष्मी योजना आपकी कृपा से बनाई, क्योंकि बेटियां मेरी देवियां हैं, देवियां। देवी लोक में देवी के नौ रूपों और 64 योगिनी के शास्त्रों में वर्णित कथाओं के साथ ही आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यटन आधारित गतिविधियों का भी विस्तार किया जाएगा। सीएम शिवराज अपने संवेदनशील व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब जहर देकर लड़के की हत्या के आरोप के मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट मनीराम ने मुख्यमंत्री से शिकायत की और मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुरैना एसपी को निर्देश दिए। उन्होंने मामले को दोबारा खोले जाने और उचित कार्रवाई कर उन्हें जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुरैना पुलिस आनन फानन में मनीराम के पास पहुंची और अब पुलिस के अधिकारी मनीराम की शिकायत पर नए सिरे से पूरे केस की पड़ताल कर रहे हैं। झाबुआ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा ने आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर पार्टी का नजरिया साफ कर दिया। कहा कि केवल जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, वो कोई भी हो सकता है, जिला अध्यक्ष भी, सांसद भी, पूर्व विधायक भी या फिर कोई ऐसा युवा नेता जिसे कोई पहचानता भी नहीं हो। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में जीवनदायिनी कही जाने वाली अमरावती नदी इन दिनों दुर्दशा का शिकार है। शासन प्रशासन की अनदेखी से नदी का हाल बुरा है। कभी इस नदी में कल कल पानी बहा करता था, लेकिन आज इस नदी से प्लास्टिक, पॉलीथिन और कूड़े करकट ही नजर आते हैं। मंदसौर की जीवनदायिनी पवित्र शिवरा नदी इन दिनों जलकुंभी की मार झेल रही है। नदी में पानी की जगह सिर्फ जलकुंभी ही नजर आती है। हर साल लाखों का बजट नदी के नाम पर खर्च होता है, सफाई के नाम पर खर्च होता है। नदी के किनारे ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर है। लोग नदी के जल का आचमन कर भगवान का दर्शन करने जाते हैं, इसी पानी से नहाते भी हैं, लेकिन नदी की सफाई के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे। पवित्र शिवना नदी, और इसे पवित्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव शिवना नदी के तट पर विराजित है, और यहीं पर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने से पहले लोग स्नान करते हैं, शिवना नदी में आचमन करते हैं। लेकिन शिवना नदी की इस दुर्दशा को देख लीजिए कि यहाँ पर ये शिवना नदी आचमन करने योग्य पानी इसमें नहीं है। पूरी शिवना नदी जलकुंभी से पटी पड़ी है। जहाँ तक नज़र जाए यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है, और जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक केवल जलकुंभी जलकुंभी है, और ये जलकुंभी सड़ांध मार रही है। यहाँ आने जाने वाले लोग भी इसकी सड़ांध से परेशान है, और ये पानी जो है पीने योग्य तो बिल्कुल नहीं है, आचमन करने योग्य भी नहीं है। और दुहाई देते हैं, प्रशासन दुहाई देता है कि यहाँ पर पवित्र शिवना नदी है। जनप्रतिनिधि, प्रशासन हर साल लाखों करोड़ों खर्च करके दावे करते हैं कि हमने शिवना शुद्धिकरण का काम किया है, लेकिन आप शिवना नदी की दुर्दशा को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह शासन का लाखों रुपया हर साल व्यर्थ में ही बहा दिया जाता है। अब ज़रूरत है शिवना नदी के शुद्धिकरण पर, एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने की जिसमें यहाँ पर इस तरह से शिवना नदी की दुर्दशा कभी ना हो और यह पानी हमेशा से निर्मल बना रहे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18, मंदसौर। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर नर्मदापुरम में आज अनोखा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। नर्मदापुरम में युवाओं और खिलाड़ियों ने नशा उन्मूलन के लिए करीब 3 किलोमीटर स्केटिंग कर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सभी ने नशा उन्मूलन और इसकी रोकथाम की शपथ भी ली। माँ देवी अहिल्या जयंती के मौके पर शाजापुर में शौर्य दल की बालिकाओं और युवतियों ने शहर में चल समारोह निकाला। इस चल समारोह में छोटी छोटी बालिकाओं और युवतियों ने लाठी चलाने से लेकर तलवारबाजी तक के रतंगेज प्रदर्शन किए। इस चल समारोह में बड़ी संख्या में महिलाएं युवतियां शामिल हुईं।
अपनी आगामी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस सारा अली खान इंदौर पहुंचे और इस दौरान विक्की कौशल और सारा अली खान ने मशहूर छप्पन दुकान का जायका लिया। और विक्की कौशल को जहां इंदौर का पोहा जलेबी काफ़ी पसंद आए तो वहीं सारा अली खान ने इंदौर की चार पकौड़ी और मशहूर जॉनी हॉट डॉग का स्वाद लिया। दोनों कलाकार मधुरम स्वीट्स पर पहुंचे जहां उन्होंने पानीपुरी और दही चाट का स्वाद भी लिया। खबर मंडला से है जहां बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आज कान्हा नेशनल पार्क पहुंची। जानकारी के अनुसार वहीदा कान्हा नेशनल पार्क में तीन दिन तक रुकेंगी। वहीदा मुक्की के ताज होटल में रुकी। वहीदा रहमान ने पार्क में आज बाघ का दीदार किया। इसके साथ ही उन्होंने पार्क के मुख्य जोन में सफारी का आनंद भी उठाया। अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गुफा पर प्राकृतिक शिवलिंग हिमलिंग पूरे आकार में बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी एक महीने का समय बाकी है। यात्रा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ऐसे में पवित्र अमरनाथ गुफा से शिवलिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। यात्रा के रास्ते पर बर्फ को साफ करने का काम भी लगभग पूरा कर दिया गया है। बर्फ को काटकर ट्रैक को यात्रियों के चलने लायक बनाया जा रहा है। इस साल की अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और 29 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन समाप्त होगी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।